News 18, India. तो जयपुर के बाद इमैनुअल मैक्रो दिल्ली आएंगे। इमैनुअल मैक्रो के भारत दौरे को लेकर इस वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों बहुत परेशान हैं, बेहद खौफजदा भी कहे जा सकते हैं। इसकी दरअसल वजह जयपुर वाली मीटिंग नहीं है, बल्कि दिल्ली में होने वाली बड़ी डील है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन की सेना को चौकन्ना रहने का ऑर्डर तक मिला। जनवरी को कर्तव्य पथ पर जमीन हिलेगी, आसमान चौंकेगा, भारत के बड़े हथियारों को देखकर दुश्मन कांपेगा। सवाल है कि वो कौन से टॉप 10 हथियार है जो 26 जनवरी की परेड में भारत दिखाने जा रहा है। हथियार नंबर 1 T-90 टैंक, हथियार नंबर 2 MRSAM यानी मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल, हथियार नंबर 3 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हथियार नंबर 4 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, हथियार नंबर 5 नामिका यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल कैरियर। बाकी के 5 हथियार आगे दिखाएंगे। पहले देख लीजिए कि इन हथियारों ने फौज को कैसे हथौड़े वाली ताकत दे दी है, ऐसा हथौड़ा जिसके वार के बाद दुश्मन फिर उठने की हिम्मत नहीं करेगा, वो दम तोड़ देगा। T-90 टैंक से लेकर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और प्रचंड हेलीकॉप्टर से लेकर नाग एंटी टैंक सिस्टम, ये सब हथियार मिलकर ऐसी फायर पावर देते हैं जो किसी भी स्ट्राइक कोर की सबसे बड़ी ताकत कही जाएगी। यानी मैन पावर के साथ मशीन पावर, क्योंकि इसमें फौजियों के साथ टैंक भी है, आर्टिलरी भी है, अटैक हेलीकॉप्टर भी है, एंटी टैंक सिस्टम भी है और दुश्मन के हमले को रोकने वाली एयर डिफेंस मिसाइल भी है। इनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए अब नया रॉकेट तैयार किया जा रहा है, ऐसा रॉकेट जो 200 किलोमीटर तक वार कर सके। अभी इसके रॉकेट 45 किलोमीटर वाली रेंज के हैं और उन्हें 75 किलोमीटर तक बढ़ाने की बड़ी पहल की गई, लेकिन पिनाका जब 200 किलोमीटर तक हमला करेगा तो ये किसी मिसाइल लॉन्चर से कम नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका का हाई मार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम। गणतंत्र दिवस पर LCH भी उड़ेगा, यानी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, ये जमीनी टारगेट हवाई टारगेट दोनों पर हमला कर सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी लगी, रॉकेट भी लगे और एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये गोली भी बरसाता है, ये रॉकेट की बौछार भी करता है, ये गाइडेड मिसाइल से भी हमला करता है। टैंक टू टैंक ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन के अलावा एक रेंज तक उसके विमानों को भी मार सकता है। इन सब के साथ टैंक पावर में सबसे फुर्तीले T-90 पर भी सबकी निगाहें। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक है और इनमें सबसे ज्यादा तादाद T-72 टैंक की, यानी करीब 2500। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक है, जबकि अर्जुन टैंक की तादाद 124 से 150 के बीच है। टैंकों की तादाद या इनको आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम चल रहा है, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है, इसलिए गणतंत्र दिवस पर बड़े हथियार दिखाए जाते हैं, बड़े खतरनाक फाइटर जेट उड़ाए जाते हैं। इस बार भी वायुसेना 54 विमानों के साथ दिल्ली के आसमान को उस तूफानी गड़गड़ाहट से भर देगी जिसकी गूंज इस्लामाबाद और बीजिंग तक पहुंचेगी। इस बार भी 26 जनवरी से पहले उत्तर भारत के तमाम एयरबेस बहुत ज्यादा एक्टिव है, अम्बाला से लेकर सिरसा और आदमपुर से बरेली तक बहुत हलचल है। ये वो एयरबेस हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ सबसे खास एयरबेस माने जाते हैं, हर तरफ तैयारी देखने लायक, इसलिए अब बाकी के 5 हथियार भी देख लीजिए जो गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाए जा रहे टॉप 10 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। हथियार नंबर 6 C-17 ग्लोब मास्टर, हथियार नंबर 7
राफाल फाइटर जेट हथियार नंबर 8, सुखोई 30 MKI हथियार नंबर 9, जैगुआर हथियार नंबर 10, MiG-29 और साथ में इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुण्या नंजप्पा, भारतीय वायु सेना के 47 स्क्वाड में फ्लाइंग पायलट हूँ। इस गणतंत्र दिवस पर मुझे MiG-29 विमान उड़ाने के अवसर मिला है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। 26 जनवरी को वायुसेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमान उड़ेंगे, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना से 29 विमान तो फाइटर जेट होंगे, 8 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 13 हेलीकॉप्टर होंगे। वायुसेना ने खास तौर से बताया है कि इस बार एयरफोर्स के विमान बायोफ्यूल वाले ईंधन की ताकत से उड़ेंगे। इस बार फ्लाई पास्ट में महिला शक्ति देखने को मिलेगी। 15 महिलाएं इस बार विमान उड़ाएंगी और इनमें 6 महिलाएं तो फाइटर जेट पर होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर पूरा फोकस महिला शक्ति पर है। कर्तव्य पथ पर इस बार महिलाओं का ट्राई सर्विस दस्ता मार्च करेगा, यानी इस दस्ते में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सेना के तीनों अंगों से महिलाएं शामिल होंगी। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण, आप देखेंगे कि महिलाओं का संख्या इस बार सभी चीजों में कर्तव्य पथ पर, चाहे वो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट हो, आर्मी, ट्राई सर्विसेज, उसके साथ CAPF, उसके अलावा इवन मोटरसाइकिल जो शो होगा उसमें आप सिर्फ महिलाओं को देखेंगे। इन सब के अलावा कुछ ऑल टेरेन व्हीकल है जो इस बार कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा बनेंगे। बड़े बड़े टायर वाली ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ है, ये ऐसे इलाके में जा सकती है जहां गुजरना आसान नहीं। जंगलों, खेतों में एनकाउंटर के दौरान ये गाड़ियां काम आएंगी। दिल्ली के हर खास कोने पर पुलिस की नजर, CCTV एक्टिव, 2400 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि 26 जनवरी ऐसा मौका है जब भारत की राजधानी दिल्ली आतंकवादियों के टारगेट पर भी होती है। इस वक्त दिल्ली की सुरक्षा इतने लेवल पर बढ़ा दी गई है कि पूरी राजधानी का दृश्य किले की तरह नजर आ रही है। दिल्ली में हर खतरे से निपटने की तैयारी है। ये तैयारी जमीन पर भी है, आसमान में भी है, पानी पर भी है। दिल्ली में यमुना के आसपास भी नजर रखी जा रही है और इसके लिए बोट पेट्रोलिंग 2400 घंटे जारी है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के 54 इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा सहयोग रहता है। और आप तस्वीरों में देखेंगे, ये जो पुलिसकर्मी है ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं यमुना के ऊपर। जो पूरा रूट आपको दिखाई दे रहा है, ये बुराड़ी को जाने वाला नॉर्थ जिले का रूट है और मेरे इस तरफ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और दोनों जिलों ने खास तौर से इस तरह के चौकसी के इंतजाम रखे हुए हैं। हालांकि आतंकवाद के सप्लायर पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए POK को लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है और LOC पर ये काम सेना लगातार कर रही है, 2400 घंटे कर रही है। मौसम कैसा भी हो, बर्फ हो या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात, ये जम्मू कश्मीर में गुरेज सेक्टर की तस्वीरें हैं और यहाँ राइफल लेकर दुश्मन पर नजर रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, इसकी सहायता से हम रात को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दुश्मन के एक्टिविटी का नोट कर सकते हैं। सर, इससे साफ दिखाई देता है आगे के 400-500 मीटर तक हम दुश्मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर, रूस में बनी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल लेकर ये जवान दिन रात ऐसी पोजीशन में रहते हैं। यही वजह है कि घुसपैठ काबू में रहती है और इसका असर दिल्ली पर भी पड़ता है, क्योंकि LOC से घुसपैठ नहीं तो समझ लीजिए कि आतंकवादियों की एंट्री नहीं। हम बेहतर घंटे तक जंगल में रहते हैं और दुश्मन के ऊपर निगरानी करते हैं, और जो भी दुश्मन की एक्टिविटी होती है वो अपने कमांडर को फॉरवर्ड करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो भी रूट है उन पे सभी पे हमने स्नाइपर तैनात किए हुए हैं। इस वक्त कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात में भुज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के आखिरी कोने तक लगातार पहरा दिया जा रहा है, जमीन पर भी और आसमान में भी।